श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक। सुबह दो निष्किंचनता सो सेवा करते। सोशी ठाकुर जी की सेवा बहुत प्रीति भाव सो करते। सो पुरुष को श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। सो ऐसे करत केतेक दिन भये। सो एक दिन श्री गुसाई जी को सेवक एक सेठ तीन के घर दर्शन करीवे को स्त्री गई हती। सो वहाँ वैभव बहुत देखियो। सो देखी के घर आए के स्त्री नाही नहीं और सोए रही। तब बाहिर सो वाको पुरुष आयो। तब माने अपनी स्त्री सो कहो, जो तू सेवा में नाही क्यों नाही। तब स्त्री ने वाते कहो, जो आज तुम ही ना हो। तब पुरुष न्याय के सेवा सो पहुँची के स्त्री के पास आए के पूछियो, जो तो को भयो कहा है। तब स्त्री ने कही, जो मैं तो सेवा तब करूँगी जब वैभव सो करूँ। तब पुरुष ने कही, जो आछो वैभव सो करियो। पाछे दो स्त्री पुरुष सवेरे उठे। सो उठी के पुरुष ने स्त्री सो कहो, जो तू एक काम करी। तब स्त्री ने कही, जो कहा। तब पुरुष ने कही, जो यहाँ ते कोस एक ऊपर एक रूख है। सो तहाँ जाए के ता रूख के नीचे खोदियो। सो द्रव्य निकसेगो। सो टोकरी भरी लियाए के वैभव सो सेवा करियो। तब स्त्री वा रूख नीचे गई। तब द्रव्य निकस्यो। सो टोकरी भरी। तब रूख में सो बानी भई, जो हमको तो कछु तू कछु दे जा। तब द्रव्य ले जा। तब स्त्री ने कही, जो तुमको कहा चाहिए। तब वाने कही, जो एक जारी को फल दे जा। तब यह द्रव्य की टोकरी ले जा। तब याने कही, जो ये तो न देऊंगी। तब वाने कही, जो अधिक होय सो तू राखियो, घटती होय सो मैं राखूंगो। अब तू अपने मन में विचारी, जो तू कितनी जारी भरे है। तब वह स्त्री अपने घर आई। सो सब समाचार अपने पुरुष सो कहे। तब पुरुष ने कहो, जो निष्किंचन तासो भर झारी भरे सेवा करे, ताके फल को कहा कहनो। एक एक पेंड को फल सो अश्वमेध यज्ञ ते ही ज्यादा है। अब तू विचारी, जो झारी को फल कितनो है और ये द्रव्य कितनो है। पाछे वह स्त्री ने कभू द्रव्य की कामना ना कीनी नाही और अपने मन में कहे, जो मैं झारी ही भरवो करूँगी। सो वह स्त्री निष्किंचनता सो जारी भरे और सेवा करे। तब श्री ठाकुर जी इनको हु अनुभव जतावन लागे। सो वे स्त्री पुरुष निष्किंचनता सो सदैव सेवा करते। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो को निष्किंचन दीन वे निष्काम भाव सो सेवा करत हैं, तापे श्री ठाकुर जी आप प्रसन्न होते हैं और जारी को महात्म्य जताए, जो वाके बराबरी को फल नाही। सो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय सेवक हते। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह स्त्री पुरुष बहुत भाव से सेवा करते। तो पुरुष को श्री ठाकुर जी सानुभावता जनाते। फिर कुछ दिन बाद स्त्री श्री गुसाई जी के सेवक एक सेठ के यहाँ गई दर्शन करने। वहाँ वह स्त्री ने सेवा में बहुत वैभव देखा। फिर वह घर आई, तब सेवा में नहीं नाही। तब उनके पति बाहर से आए और पूछा कि तू सेवा में नहीं नाही है अभी तक। तब वह स्त्री ने कहा, तुम ही नहाओ। फिर पुरुष सेवा में स्नान करके सेवा से पहुँचे। फिर सेवा से बाहर आके उन्होंने अपनी स्त्री से पूछा कि तुमको क्या हुआ। तब स्त्री ने कहा, मैं तो वैभव संयुक्त सेवा करूंगी। तब वह पुरुष ने कहा कि ठीक है, वैभव से सेवा करना। फिर दूसरे दिन सुबह पुरुष ने स्त्री से कहा, तू एक काम कर, यहाँ से कुछ दूरी पर एक रूख है, वहाँ जाके रूख के नीचे खोदना, वहाँ द्रव्य निकलेगा तो टोकरी भर के ले आना और फिर वैभव से सेवा करना। तब वह स्त्री रूख के नीचे गई और खोदा, तब द्रव्य निकला। तब इनने टोकरी में भरा। तब रूख से आवाज आई कि तू हमको कुछ दे जा। तब ये द्रव्य की टोकरी ले जा। तब स्त्री ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तब उसने कहा
कि तेरी एक झारी का फल मुझे दे जा। तब यह टोकरी ले जा। तब यह स्त्री ने कहा कि वह तो मैं नहीं दूंगी। तब उसने कहा कि अधिक फल हो तो तू रखना और कम हो तो मैं रखूंगा। अब तू अपने मन में विचार कर ले कि तू कितनी जारी भरती है। तब वह स्त्री तो ऐसे ही घर आ गई और अपने पति को सब बात बताई। तब वह पुरुष ने कहा कि जो निष्किंचन भाव से सेवा करता है और जारी भरता है, उसके फल का क्या कहना। एक एक छोटी से छोटी सेवा का फल 100 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा है। अब तू विचार कर ले कि जारी जी का फल कितना है और ये द्रव्य है, ये कितना द्रव्य है। फिर वह स्त्री ने द्रव्य की कामना कभी नहीं करी और अपने मन में विचारा कि अब जारी ही भरूंगी। फिर वह निष्किंचन भाव से जारी भरती और सेवा करती। तब श्री ठाकुर जी उनको भी सानुभावना जनाने लगे। फिर वे स्त्री पुरुष ऐसे निष्किंचनता से सदैव सेवा करते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि जो कोई निष्किंचनता से निष्काम भाव से सेवा करता है, उस पे श्री ठाकुर जी आप प्रसन्न होते हैं। और जारी जी का महात्म्य बताया कि जारी जी के बराबर कोई फल नहीं है। तो वे स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय सेवक हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।